ऐसी रेमेडी जिससे आपके बाल 2 घंटे में झड़ना रुक जाएंगे और साथ ही साथ इतने सिल्की और शाइनी हो जाएंगे कि खुद को बिलीव नहीं होगा। उसके लिए हमें एक हेयर पैक तैयार करना होगा जिसमें हम सबसे पहले लेंगे कलौंजी, क्योंकि कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि बालों के रीग्रोथ में हेल्प करती हैं और साथ ही स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको कम करती हैं और साथ ही साथ बालों को डैमेज होने से भी रोकती हैं। उसके बाद हम लेंगे मेथी जिसमें आयरन और प्रोटीन होता है जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इनको हम पानी से भिगो देंगे। उसके बाद लेंगे हम करी पत्ता जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्कैल्प को मॉइस्चर रखता है, साथ ही डेड हेयर फॉलिकल्स को भी रिमूव करता है। फिर लेंगे अनियन जो कि वर्ल्ड फेमस है बालों के लिए क्यों अच्छी होती है। उसके बाद हम लेंगे आंवला जो कि बालों को सॉफ्टर, शाइनर और वॉल्यूमिनस बनाता है और साथ ही बालों के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। हमें कलौंजी और मेथी को ओवरनाइट तक सोक करना है ताकि वो हमारे बालों में ना फंसे और उसके बाद इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को हम मेहंदी के साथ मिक्स करेंगे। तो मेहंदी को हम सिंपल नॉर्मल पानी से भिगोकर उसको गला लेंगे। हमें उसको ज़्यादा देर तक गलाकर नहीं रखना है, तुरंत गलाकर हमने जो पेस्ट तैयार करा था उस पेस्ट को उसमें मिला लेना है और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और याद रखें कि पेस्ट बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए और उस पेस्ट को हमें पूरी बालों में, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं सिंपली, उस तरीके से पूरे बालों में स्कैल्प में लगाना है और सिर्फ 2 घंटे तक लगा कर रखना है। मेहंदी भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ हमने जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करे हैं वो सारे के सारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जिनके ऑयल भी बनते हैं और साथ ही साथ उनके हेयर मास्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप इसको मेरे कहने पर एक बार यूज़ करके देखें, आप खुद 2 घंटे में इतना अच्छा रिजल्ट देखेंगे कि आप खुद आकर कमेंट करेंगे कि सच में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। तो बस इसको लगा कर 2 घंटे तक छोड़ना है, उसके बाद हम अच्छे से हेयर वॉश कर लेंगे और पूरी तरीके से हमने जो मेथी और कलौंजी लगाई थी ताकि वो बालों में से अच्छे से निकल जाए। तो आप इसको 1 मंथ लगा के देख लें, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एक भी बाल नहीं निकलेगा, ना हेयर वॉश में निकलेगा और ना कंघी करने में निकलेगा। मैं आपको अभी सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूंगी, आप इसको लगाएं और रिजल्ट देखें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।